रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं आज जो है छोले की बिरयानी बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद छोले जो होते हैं उनकी बिरयानी बनती है। ये मेरे अपने बच्चों की रिक्वेस्ट थी, बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये जो है बिरयानी बनाएं आप सफ़ेद छोलों की। और ये जो है रमज़ान में भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, ऐसी चटपटी और मज़ेदार चीज़ें जो है खाने का दिल चाहता है रमज़ान में। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के लिए ये बना लेती हूँ और बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने जो है एक पाव से थोड़ा ज़्यादा जो है छोले लिए, इनको जो है थोड़ा सा सोडा डाल के बॉईल कर लिया है। और ये 700 ग्राम मेरे चावल हैं, चावल लिए मैंने सेला, और इसमें जो है मैंने गरम मसाला साबित तो और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के मैंने इन चावलों को 80% तक बॉईल कर लिया है। और स्पाइसेस में देखें जो मैं डालूंगी, 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है रेड मिर्च है पिसी हुई, और 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी है, और ये जो है मैंने जायफल जावित्री का पाउडर लिया 1/2 टेबल स्पून, और ये 2 टेबल स्पून जो है ये ज़ीरा और भुना कुटा साबुत धनिया है, और ये 1 टेबल स्पून भर के जो है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चाट मसाला है। इसके अलावा मैं टमाटर डालूंगी, दही डालूंगी, अदरक लहसुन है, काफ़ी चीज़ें और हैं, मैं साथ साथ बनाती जाती हूँ और आपको दिखाती भी जाऊँगी। तो चले फिर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार जो है छोले की बिरयानी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमने जो है 1/2 कप जो है ऑयल लिया, उसमें तली हुई प्याज डाल दी, तकरीबन 2 दरमियानिया साइज की प्याजें होंगी। मैंने आपको ये प्याज फ्राई करने का जो तरीका है वो बता दिया था ना, सेव करने का। और मैंने इसमें गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल दिया, 8 से 10 जो है लौंगे हैं और 2 स्टिक जो है दालचीनी की हैं, तेज़पात डाला और काली मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, जो खड़ा गरम मसाला होता है वो आप अपने हिसाब से जो है इसमें डाल दीजिएगा। और इसी के साथ मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी बारीक कटे हुए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत से, और 3 टेबल स्पून जो है कुटा हुआ जो है लहसुन अदरक डाल दूंगी मैं, दरदरा सा कूट लिया मैंने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, इसको फ्रेश डाला है इसको मैंने, और इसको भी जो है इसके साथ ही अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। तो फिर देखिए हमने टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब हमारा जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है 6 टेबल स्पून जो है दही डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत हो, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये जो है बिरयानी होती है, बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से इसको खाते हैं। और मैं इसमें आलू भी डालूंगी, मेरे बच्चे जो हैं आलू के बगैर जो है बिरयानी खाते ही नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये हो गया। अब जो है हम इसमें ये देखिए हमने 1/2 बंच हरे धनिया का लिया और 5 से 6 जो है मिर्चें ली, इनको काट लिया, और 4 दरमियानी साइज़ के आलू ले लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से। और ये स्पाइसेस भी हम सारे इसमें डाल देंगे जो आपको दिखाए थे बिस्मिल्लाह की बरकत से। बहुत ही मज़े की हमारी ये बिरयानी तैयार होगी जो आपको कहीं भी बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। एक तो आपको बार बार ये बताते हैं अपने हाथ की बनी हुई ज़बरदस्त चटपटी बिरयानी। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको आलूओं को थोड़ा गलाते हैं 4 से 5 मिनट, उसके बाद छोले डाल देंगे। तो फिर देखें ये ज़बरदस्त से हमारे आलू भी तकरीबन जो है गलने के, इतना ज़्यादा गले नहीं है पूरे, तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला ये जो है बन जाएंगे। कितना ज़बरदस्त और चटपटा सा हमारा मसाला जो है तैयार हो गया है। अब हम इसमें छोले डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से, छोले मिक्स कर देंगे हम। छोले हमारे तकरीबन गले हुए हैं इसलिए हम इसके साथ ही चावल भी डाल देंगे। तह वाली भी बना सकते हैं आप, तह लगा लें, और मैं जो हूँ इसको ऐसे ही बना रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से। मैं जो हूँ चावल एक साथ ही डाल दूँगी, बहुत मज़े की बनती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रात को ही छोले भिगोएं, वैसे ज़्यादातर लोग रात को भिगो देते हैं, मैं भी भिगोती हूँ अक्सर, लेकिन अगर आप 3-4 घंटे पहले भी
जो है सोडा डाल के चावलों में रख देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो चावल हैं छोले जो है ना बहुत अच्छे गलेंगे। और फिर थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तली प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे, फूड कलर डाल देंगे। पुदीना डाला हमने इसमें और तली हुई प्याज डाल दी। अभी मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ये है कि 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। और मैं इसमें कलर डाल देती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑयल डाल के 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और ज़बरदस्त सी हमारी जो है छोले की ज़बरदस्त बिरयानी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। Oh,